वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नरेटर नेगी आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मारियानाज वेब, आप में से कई लोगों ने इस नाम को पहली बार सुना होगा। दोस्तों, मारियानाज वेब इंटरनेट का वो पहलू है जिससे कई लोग अनजान हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सर्फेस वेब और डीप वेब के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मारियानाज वेब डार्क वेब से भी काफ़ी बड़ा और रहस्यमय है। मारियानाज वेब इंफॉर्मेशन का वो गहरा और काला समंदर है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। मारियानाज वेब का नाम मारियानाज 10 से लिया गया है, जो कि एक बहुत ही गहरी खाई है। रहस्यमय जानकारियों से भरी इस खाई में न जाने कितने ही ऐसे पहलू छुपे हुए हैं। मारियानाज वेब डार्क वेब का लास्ट लेवल है जहाँ पहुँच पाना अब तक नामुमकिन रहा है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपको एक परफेक्ट यूआरएल की ज़रूरत होती है, और दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इसे एक्सेस करके यूज़ करते हैं, लेकिन मारियानाज वेब इससे भी दो कदम आगे है। यहां पहुंचने के लिए सिर्फ एग्जैक्ट यूआरएल नहीं बल्कि उसकी की का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, की का मतलब तो आप जानते ही होंगे। की एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसकी मदद से आप उस फाइल या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। बिना की के कोई भी मारियानाज वेब में एक्सेस नहीं कर सकता, और इस की से आप सिर्फ एक ही बार उस वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो की इनवैलिड हो जाती है ताकि कोई और दूसरा इसकी मदद से इसे एक्सेस ना कर पाए। इस तक ना पहुंचना ही इसे इतना मिस्टीरियस बना देता है। कहा जाता है यहाँ पर वो डेटाबेस छुपा हुआ है जिसे वो आम लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। कुछ ऐसे सीक्रेट मिशंस, एक्सपेरिमेंट्स, UFOs, एरिया 51 और रहस्यमय जानकारियाँ जिनके बाहर आते ही कई पहलुओं से पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, जिस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को हमने सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना है, कहा जाता है उसका डेटाबेस भी इसी वेबसाइट में मौजूद है। इल्यूमिनाटी अपने सारे सीक्रेट मिशंस और एक्टिविटीज़ को यहीं से चलाता है। एलियन और UFO से जुड़ी जानकारियाँ भी यहाँ मौजूद है। जितनी भी मिस्ट्रीज आज तक अनसॉल्व है उनकी जानकारियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। अटलांटिस शहर, जो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन मारियानाज वेब में इसके सारे राज कैद हैं। दोस्तों, इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होने के कारण ही किसी भी देश की सरकार इसे पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप पर है कि आप टेक्नोलॉजी को सही रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। डार्क वेब को नेवी द्वारा अस्तित्व में लाया गया था ताकि सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफ़र की जा सके, जिसका फ़ायदा इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग उठा रहे हैं क्योंकि इसके सोर्स को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो डार्क वेब ने पूरे इंटरनेट पर अपने पांव जमा लिए हैं, और इसे बैन करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसे बैन करना इंटरनेट को बैन करने जैसा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं नरेटर नेगी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।